नेशनल फ्लैग हटा के केसरी फ्लैग जो चढ़ाएंगे बोल के आज हम बिदर जिला युवा कांग्रेस समिति की तरफ से ये बोलना चाहते हैं, नेशनल फ्लैग किसी के बस की वो बात नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। ईश्वर अप्पा जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये बहुत गलत है। केसरी ध्वजा जो चढ़ाते बोल के है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और जो कल उन्होंने सदन में जो एक वचन में हमारे नेता बीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी को जो बात किया है तो ये गलत है। आज जो भी संविधान को बचाते हुए 70 साल से कांग्रेस जो बचाते ही है इसको खत्म करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। और ये बीजेपी के जो लोग हैं ईश्वर अप्पा और ऐसे कई सारे लोग जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में आसाम के सीएम ने स्टेटमेंट दिया था और आज दो चार दिन पहले ईश्वर अप्पा स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये लोगों के पास मुद्दे नहीं बचे हैं जो काम अपना बता नहीं सक रहे हैं। काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ दुष्ट की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे काम करते हुए ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसको हम आज खंडनीय करते हुए आज अम्बेडकर सर्कल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आगे चाहते हैं सरकार से डिमांड करते हैं कि ईश्वर अप्पा अपने मिनिस्ट्री से रिजाइन दें और अपने एमएलए के पद से रिजाइन दें। जो एक नेशनल फ्लैग हम 130 करोड़ जनता का सम्मान है उसको हटा के ये जो अपना केसरी रंग का झंडा चढ़ाते बोल रहे हैं इसको ये बहुत गलत है। ये इनको स्टेटमेंट अपना वापस लेना चाहिए। और जो ये अपने मिनिस्ट्री से और अपने एमएलए पद से हम इसको उन्होंने अपना इस्तीफा देना चाहिए। हम डिमांड करते हुए आज प्रोटेस्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट परिथन।